सच नहीं, औरत हमारा नाक का घाव बनती जा रही, और अभी डॉक्टर की बहुत हो गई, जो नहीं होगा, चलो सब कुछ यहाँ खुल के होगा। आज से इस घर का नियम बदल देंगे हम, या तो ये खुद बदल जाए, नहीं तो हम तो बदल देंगे। परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे हम सीधा कर देंगे इनको एकदम, और फिर सारे नियम हमारे घर के हिसाब से होंगे। हाँ, ए कान खोल के सुन लो, आज के बाद कोई विवाह इस घर के बाहर नहीं जाएगी बिना पूछे, समझे? और अगर गई तो याद रखना, मुन्ना का हाथ बहुत भारी है। जो करना है कर लो, अब तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाऊंगी, बस एक बार कंपटीशन जीत जाऊं। अरे भाई, वो एक बात बताना तो भूल ही गए, वो आपकी जो सर थी ना, हमने कंपटीशन वालों को बता दिया। कहा गए? अरे साफ साफ कह दिया हमने, अगर हमारे घर में कंपटीशन होगा तो 3 जजों में से 1 जज हमारा होगा। वो जज होंगे साला मूड फ्रेश कर देता है। अरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई के लिए कुछ तो करेंगे ही। हम नहीं लेंगे हिस्सा, कोमल वहां पर जज है। हे भगवान, ना बाबा ना, बाकी हमारी जिंदगी रही तो जी लेंगे जैसे तैसे। अगर कोमल ने हमको वहां देख लिया ना तो हमको मार ही डालेगा। आप इतना क्यों डर रही हैं? हम उन्हें पता ही नहीं चलने देंगे कि आपने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया और आपको पता है कि वो भी जज है। जब सीधे कंपटीशन में आपके सामने आएंगे तो आप ध्यान ही मत दीजिएगा, और भी तो लोग होंगे कंपटीशन में, उनके सामने कुछ तो लिहाज करेंगे ना, और भी तो औरतों ने हिस्सा लिया है इसमें। ना बाबा ना, हमको बहुत डर लगता है उससे, हम नहीं हिस्सा लेंगे। ये डर ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर इससे नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप डरिए मत, अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा तो आप कह दीजिएगा कि ये सब आप उन्हीं के लिए तो कर रही हैं, और जब आप एक बार हिस्सा ले लेंगे कंपटीशन में फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर मैं भी तो आपके साथ हूँ ना। ना ना ना, तू नहीं जानती हमारे बेटे को, बहुत बदमाश है वो, किसी की नहीं सुनता, किसी का लिहाज नहीं करता, और ये सब ना उसको शुरू से पसंद ही नहीं है। नहीं, हम तो इस खतरे में नहीं पड़ेंगे भैया, बल्कि हम तो तुमको सलाह देंगे कि तुम भी इस खतरे में ना पड़ो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अब बिना मतलब डर रही है। बिना मतलब है? अरे हमने देखी है उसकी करतूते, जो उसको पसंद नहीं ना वो उसे बर्दाश्त भी नहीं करता। यही तो वो पेपर्स है, हमारा आधा काम तो हो गया। अरे मुन्ना, तू यहां क्या कर रहा है? और ये हमारी अलमारी में क्या ढूंढ रहा है? भाई वो पैसे चाहिए थे, तो आप बाहर थे तो हमने सोचा काहे आपको डिस्टर्ब करें, खुद ही ले लेते, तो पैसे ही ढूंढ रहे थे। भाई वो आपकी पॉकेट से कुछ गिर गया है नीचे। अब तो कहा कह रहा था तुमको पैसा का जरूरत है मुन्ना, तुम इस घर का बेटा बन के रह रहे हो, एंड ससुरों से पैसा। हाँ तो है भाई, लेकिन अब सच बता कहाँ ढूंढ रहा था? अरे क्या भाई, हाँ हम आपसे झूठ बोलेंगे क्या? पैसे ही चाहिए थे, पैसे ढूंढ रहे थे और क्या। कमाल है भाई, हाँ छोटे भाई पे शक कर रहे हैं आपका, अच्छी बात। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे पहली बार देख रहा है, इसीलिए पैसे ढूंढ रहा था।